फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूँ सत्येंद्र सिंह और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। आज हम देखिए हेमिकॉर्ड डेटा का डिस्कशन करने वाले हैं। हेमिकॉर्ड डेटा को पहले कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत रखा गया था। सब फाइलम के अंतर्गत यानी कि हेमिकॉर्ड डेटा को पहले कॉर्डेटा फाइलम में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, यानी कि हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, बट नाउ इट प्लेस एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। लेकिन अब इसे नॉन कॉर्डेटा में एक अलग संघ के रूप में रखा गया, ठीक है। यानी कि पहले हेमिकॉर्डेटा को पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया है, ठीक है। क्या है कि इस फाइलम के अंतर्गत जो एनिमल्स होते हैं वो वॉर्म लाइक होते हैं, यानी कि वो कृमि के समान होते हैं, और समुद्री जीव होते हैं जिनका, यानी कि मैरान होते हैं और कृमि के समान होते हैं, और इनका जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, सीलोमेट होते हैं और सिलेंड्रिकल बॉडी होता है इनमें। और चलिए देखिए इतना क्या है इसमें, यानी कि अब इसमें हिंदी में हम बता देते हैं, ये द्विपार्श्वी सममित होते हैं, त्रिकोणिकी होते हैं यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और प्रगुहू प्राणी होते हैं यानी कि सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, और सिलेंड्रिकल बॉडी पाया जाता है यानी कि इनका जो बॉडी होता है वो बेलनाकार होता है शरीर, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एंटीरियर प्रोबोसिस एक कॉलर और ट्रंक, ठीक है, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो प्रो सिलेंड्रिकल होता है और कंपोज्ड होता है। कौन कौन से एंटीरियर प्रोबोसिस होता है, एक कॉलर होता है और एक लॉन्ग ट्रंक होता है, यानी कि एंटीरियर प्रोबोसिस एक कॉलर और एक ट्रंक, ठीक है। अब हम इनकी बात करते हैं कि सर्कुलेशन जो होता है इनमें, जो सर्कुलेटर सर्कुलेशन होता है वो ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। रेस्पायरेसी टेक प्लेस थ्रू गिल्स। ओपन टाइप प्रसंचरण जो होता है वो इनमें ओपन टाइप होता है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि इनमें प्रसंचरण जो होता है ओपन टाइप का होता है, और फिर हम बात करते हैं कि रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स। जो गिल्स क्लोम होते हैं, श्वसन क्लोम होते हैं, उनके द्वारा इनमें रिस्पायरेशन होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें जो प्रोबोसिस ग्लैंड होती है वो एस्क्रिटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। प्रोबोसिस ग्लैंड फंक्शन एज ए एस्क्रिटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो प्रोबोसिस ग्लैंड क्या होती है, ये उत्सर्जन में सहायता करती है, उत्सर्जी अंग होता है प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। तो ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रोबोसिस ग्लैंड होता है वो एस्क्रिटरी ऑर्गन होता है, यानी कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। निषेचन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर निषेचन होता है, और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि लार्वा पाया जाता है, ठीक है। तो लार्वल स्टेज पाई जाती है, टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है इनमें, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो बेलानो ग्लासेस और सेकलो ग्लासेस के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। चलिए एक बार पूरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हेमिकॉर्डेटा को पहले फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत सब फाइलम में रखा गया था, लेकिन अब इनको अलग नॉन कॉर्डेटा में रख दिया गया है। वॉर्म लाइक एनिमल होते हैं, कृमि की तरह होते हैं, मैरान मतलब मैरान होते हैं, समुद्री जीव होते हैं और कृमि के समान होते हैं। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है यानी बेलनाकार शरीर होता है, एंटीरियर प्रोबोसिस ए कॉलर और ए लॉन्ग ट्रंक में इनका जो शरीर होता है वो इनमें विभाजित होता है, कंपोज होता है ए सुन कॉलर में और प्रोबोसिस एंटीरियर प्रोबोसिस में और ट्रंक में। ओपन टाइप होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। गिल्स जो होते हैं वो रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं, सक्सेस सेपरेट होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि टॉर्नेरियल लार्वा पाया जाता है। बेलानो ग्लासेस और सेक्लोनो ग्लासेस इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स सत्यन ज्ञान संसार को,
और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाते रहिए। जो भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।